जय राधे कृष्ण। प्रिय दर्शकों, हार्दिक स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानियों में। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे भक्त का चरित्र सुनाऊंगा जिसे आप पहले सुन चुके हैं, परंतु आपने कभी भी गहराई से उसको मनन नहीं किया होगा, कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, यह चरित्र है भक्त सूरदास जी का, जो आँखों से अंधे थे परंतु भक्ति शाखा के वह प्रमुख कवि थे। उन्होंने जो रचनाएं की, आप जरा यह सोचकर देखिए, जब वह अंधे ही थे तो फिर रचनाएं कैसे हुई। परंतु प्रभु का उन पर ऐसा आशीर्वाद था, भक्ति की शक्ति उनके पास ऐसी थी कि जिन भौतिक आंखों से हम सिर्फ केवल इस भौतिक संसार को ही देख पाते हैं, वह उसको न देखकर और वह सब कुछ भी देख लिया करते थे जो यह भौतिक आंखें नहीं देख पाती हैं। प्रिय भाई बहनों, यह सोचकर कि यह चरित्र आपने पहले सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है, इस वीडियो को बीच में ही मत रोकिएगा, क्योंकि इसमें जो कुछ मैं आपको बताऊंगा वह शायद ही आपने पहले सुना होगा या पढ़ा होगा, इसीलिए वीडियो को पूरा एक बार अवश्य देखें। दिल्ली से थोड़ी दूर पर सीही गांव में एक निर्धन ब्राह्मण के घर पर विक्रम संवत 1535 में शुक्ल पंचमी को धरती पर एक दिव्य ज्योति बालक सूरदास के रूप में प्रकट हुआ। चारों ओर शुभ प्रकाश फैल गया। ऐसा लगता था कि कल काल के प्रभाव को कम करने के लिए भगवती भागीरथी ने अपना कायाकल्प किया है। समस्त गांव वाले और शिशु के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। शिशु के नेत्र बंद थे, घर में सूर्य ने जन्म लिया। अंधे बालक के प्रति उनके पिता उदासीन रहने लगे। घर के और लोग भी उनकी अपेक्षा ही करते थे। धीरे धीरे उनके अलौकिक और पवित्र संस्कार जाग उठे। घर के प्रति उनके मन में वैराग्य का भाव उदय हो गया। उन्होंने गांव के बाहर एकांत स्थान में रहना निश्चय किया। सूर घर से निकल पड़े। गांव से थोड़ी दूर पर एक रमणीय सरोवर के किनारे पीपल वृक्ष के तले उन्होंने अपना निवास स्थिर किया। वे लोगों को शकुन बताने का काम किया करते थे, और विचित्र बात तो यह थी कि उनकी बताई हुई बातें अक्षर से सत्य उतरती थी। एक दिन एक जमींदार की गाय खो गई। सूर ने उसका ठीक ठीक पता बता दिया। जमींदार उनके चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। सूर का यश दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। सुदूर गांव से लोग उनके पास आकर शकुन पूछने के लिए आते, या अपनी किसी भी वस्तु को खोजाने के विषय में उनसे वार्तालाप करने के लिए आते थे। अधिकाधिक संख्या में जब लोग आने लगे, उनकी मान प्रतिष्ठा और वैभव में नित्य प्रति वृद्धि होने लगी। सूरदास की अवस्था उस समय मात्र 18 साल की थी। उन्होंने विचार किया कि जिस माया मोह के उपराम होने के कारण मैंने घर छोड़ा, वह तो पीछा ही करता आ रही है। भगवान के भजन में विघ्न होते देख सूर ने उस स्थान को भी छोड़ दिया। उनको अपना यश तो बढ़ाना नहीं था, वे तो भगवान के भजन और ध्यान में रस लेते थे। अतः वे मथुरा गए। उनका मन वहां नहीं लगा। उन्होंने गऊ घाट पर रहने का विचार किया। गऊ घाट जाने के लिए कुछ दिन पूर्व वे रेणुका क्षेत्र में भी रहे। रेणुका, जिसे रुनकता भी कहा जाता था, वहां पर उन्होंने संतों और महात्माओं का सत्संग किया, पर उस पवित्र स्थान में उन्हें एकांत का अभाव बहुत खटकता था। रूनकता से 3 मील दूर पश्चिम की ओर यमुना तट पर गऊ घाट में आकर वे काव्य और संगीत शास्त्र का अभ्यास करने लगे। सूरदास की एक महात्मा के रूप में ख्याति चारों ओर फैलने लगी। पुष्ट संप्रदाय के आदि आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपने निवास स्थान अड़ैल से व्रज यात्रा के लिए विक्रम संवत 1560 में निकल पड़े। उनकी गंभीर विद्वता, शास्त्र ज्ञान और दिग्विजय की कहानी उत्तर भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी। महाप्रभु ने विश्राम के लिए गऊ घाट ही अस्थाई निवास घोषित किया। सूरदास ने वल्लभाचार्य के दर्शन की उत्कट इच्छा प्रकट की। आचार्य भी उनसे मिलना ही चाहते थे। पूर्व जन्म के शुद्ध तथा परम पवित्र संस्कारों से अनुप्राणित होकर सूर ने आचार्य के दर्शन के लिए पैर आगे बढ़ा दिए। वे चल पड़े।
उन्होंने दूर से ही चढ़ वंदना की। हृदय चढ़ धूलि स्पर्श के लिए आकुल हो उठा। आचार्य ने उन्हें आदर पूर्वक अपने पास बैठा लिया। उनके पवित्र संस्पर्श से सूर के अंग अंग भगवत भक्ति की रसा अमृत लहरी में निमग्न हो गए। सूर ने विनय के पद सुनाए। भक्त ने भगवान के सामने अपने आप को पतितों का नायक घोषित कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाही थी। यही उस पद का अभिप्राय था। आचार्य ने कहा, तुम सूर होकर इस तरह क्यों घिघियाते हो? भगवान का यश सुनाओ, उनकी लीला का वर्णन करो। सूर आचार्य चढ़ के इस आदेश से बहुत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानता। आचार्य ने सुबोधिनी सुनाई, उन्हें भगवान की लीला का रस मिला। वे लीला संबंधी पद गाने लगे। आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। वे 3 दिनों तक गौ घाट पर रहकर गोकुल चले आए। सूरदास उनके साथ थे। गोकुल में सूरदास नवनीत प्रिय का नित्य दर्शन करके लीला के सरद पद रचकर उन्हें सुनाने लगे। आचार्य वल्लभ के भागवत परायण के अनुरूप ही सूरदास लीला विषयक पद गाते थे। वे आचार्य के साथ गोकुल से गोवर्धन चले गए। उन्होंने श्रीनाथ जी का दर्शन किया और सदा के लिए उन्हीं की चढ़ सड़ में जीवन बिताने लगे। श्रीनाथ जी के प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी। आचार्य की कृपा से वे प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए। गोवर्धन आने पर सूर ने अपना स्थायी निवास चंद्र सरोवर के सन्निकट परासौली में स्थिर किया। वे वहां से प्रतिदिन श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते थे और नए नए पद रचकर उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते थे। धीरे धीरे विरज के अन्य सिद्ध महात्मा और पुष्टि मार्ग के भक्त कवि नंददास, कुंभनदास, गोविंददास आदि से उनका संपर्क बढ़ने लगा। भगवत भक्ति की कल्पलता की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने सूर सागर जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर डाली। आचार्य वल्लभ के लीला प्रवेश के बाद गोसाई विट्ठल ने सूरदास की अष्ट छाप में स्थापना की। वे प्रमुख कवि घोषित हुए। कभी कभी परसौली में वे नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन अकबर के सामने सूरदास का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने सूरदास से स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय आवश्यक राजकार्य से मथुरा भी जाना था। वे तानसेन के साथ सूरदास से विक्रम संवत 1623 में मिले। उनकी सहृदयता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर सूरदास ने उन्हें पद गाकर सुनाया, जिसका अभिप्राय यह था कि हे मन, तुम माधव से प्रीति करो। अकबर ने परीक्षा ली। उन्होंने अपना यश गाने को कहा। सूर तो राधा चरण चारण चक्रवर्ती श्री कृष्ण के गायक थे। वे पद गाने लगे, परंतु पद में फिर से उन्होंने श्री राधा कृष्ण जी का ही वर्णन किया। अकबर उनकी निष्प्रहता पर मौन हो गए। भक्त सूर के मन में सिवा श्री कृष्ण के दूसरा रह ही किस तरह पाता? उनका जीवन तो राशेश्वर लीला धाम श्री निकुंज नायक के प्रेम मार्ग पर नीलाम हो चुका था। भक्त सूरदास जी एक बार नवनीत प्रिय का दर्शन करने गोकुल गए। वे उनके श्रृंगार का ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया करते थे। गोसाई विट्ठलनाथ के पुत्र गिरधर जी ने गोकुलनाथ के कहने से उस दिन सूरदास की परीक्षा ली। उन्होंने भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया। वस्त्र के स्थान पर मोतियों की मालाएं पहनाई। सूर ने श्रृंगार का अपने दिव्य चक्षु से देख कर वर्णन किया और वे गाने लगे। भक्ति की परीक्षा पूरी हो गई। भगवान ने अंधे महाकवि की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखी। वे भक्त के हृदय कमल पर नाचने लगे। महागायक की संगीत माधुरी से रास रसोन्मत्त नंद नंदन प्रमत्त हो उठे। कितना मधुर वर्णन था उनके स्वरूप का। सूरदास जी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। श्री वल्लभाचार्य के सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिक भगवत सेवा सिद्ध थी। वे महाभागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का यश वर्णन ही श्रेय मार्ग समझा।
गोपी प्रेम की ध्वजा भारतीय काव्य साहित्य में फहराने में वे अग्रगण्य स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने 85 साल की अवस्था में गोलोक प्राप्त किया था। एक दिन अंतिम समय निकट जानकर सूरदास ने श्रीनाथ जी की केवल मंगला आरती का दर्शन किया। वे नित्य श्रीनाथ जी की प्रत्येक झांकी का दर्शन करते थे। गोसाई विट्ठलनाथ श्रृंगार झांकी में उन्हें अनुपस्थित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा। प्रभु ने अपने परम भक्त का पद नहीं सुना था। सूरदास जी उन्हें नित्य पद सुनाया करते थे। कुंभन दास गोविंद दास आदि चिंतित हो उठे। गोसाई जी ने एक करुण स्वर से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिसको जो कुछ लेना हो वह ले लो। उन्होंने भक्त मंडली को परासौली भेज दिया और राजभोग समर्पित कर वे कुंभन दास गोविंद दास और चतुर्भुज दास आदि के साथ स्वयं गए। इधर सूर की दशा विचित्र थी। परासौली आकर उन्होंने श्रीनाथ जी की ध्वजा को नमस्कार किया। उसी की ओर मुख करके चबूतरे पर लेटकर सोचने लगे कि यह काया पूर्ण रूप से हरि की सेवा में नहीं प्रयुक्त हो सकी। वे अपने दैन्य और विवस्ता का स्मरण करने लगे। समस्त लौकिक चिंताओं से मन हटाकर उन्होंने श्रीनाथ जी और गोसाई जी का ध्यान किया। गोसाई जी आ पहुंचे। आते ही उन्होंने सूरदास का कर अपने हाथ में ले लिया। महाकवि ने उनकी चढ़ वंदना की। सूर ने कहा कि मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इतना कहकर वे पद गाने लगे। अंत समय में उनका ध्यान युगल स्वरूप श्री राधा मनमोहन में लगा हुआ था। श्री विट्ठलनाथ के यह पूछने पर कि चित्तवृत्ति कहाँ है, उन्होंने कहा कि मैं राधा रानी की वंदना करता हूँ, जिनसे नंदनंदन प्रेम करते हैं। चतुर्भुज दास ने कहा कि आपने असंख्य पदों की रचना की, पर श्री महाप्रभु का यश आपने कहीं वर्णन नहीं किया। सूर की गुरु निष्ठा बोल उठी कि मैं तो उन्हीं साक्षात भगवान का स्वरूप समझता हूँ। गुरु और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है। मैंने तो आद से अंत तक उन्हीं का यश गाया है। उनकी रचना ने गुरु स्तवन किया। चतुर्भुज दास की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने उपस्थित भगवदीयों को पुष्टि मार्ग के मुख्य सिद्धांत संक्षेप में सुनाए। उन्होंने कहा कि गोपीजनों के भाव से भावित भगवान के भजन से पुष्टि मार्ग के रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम की ही मर्यादा है। सूरदास ने श्री राधा कृष्ण की रसमयी छवि का ध्यान किया और वे सदा के लिए ध्यानस्थ हो गए। प्रिय भाई बहनों, महाकवि सूरदास जी आंखों से अंधे अवश्य थे, परंतु उन्हें प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से, उनकी भक्ति की शक्ति से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह सब कुछ भी देख सकते थे जिन्हें हम अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देख पाते हैं। प्रभु के रूप सौंदर्य का और उनका जो नित्य प्रति श्रृंगार होता था, वह उसका जैसा का तैसा वर्णन कर देते थे, अपनी वाणी से बड़ा ही सुंदर करते थे। धन्य हैं प्रभु के ऐसे भक्त। अगली किसी सच्ची कहानी में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा कीजिए। एक बार उस महामंत्र का जप कीजिए जिससे कलयुग में हम अब इस भवसागर से पार उतर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भाई बहनों, यदि आप भी कोई अपनी ऐसी घटना या कोई अनुभव जो प्रभु के साथ जुड़ा हो, उसे यदि शेयर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। और यदि मेरी इन कहानियों से आप संतुष्ट नहीं हैं या आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट अवश्य करें। और यदि अच्छी लगती हो तो लाइक अवश्य करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं और अधिक एनर्जी के साथ आपको इन प्रभु के भक्त के चरित्रों को सुना सकूं।